हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनम। दोस्तों, बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए आस्किंग मी टू रिव्यू द ट्रेलर ऑफ लक्ष्मी बॉम्ब, माई रिव्यू ऑफ लक्ष्मी बॉम्ब्स ट्रेलर। दोस्तों, आज थोड़े भारी दिल से मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कहूँ और कैसे कहूँ, लेकिन कैसे मैं अपने दिल पे हाथ रख के आप लोगों से झूठ बोलूँ। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लक्ष्मी बॉम्ब का ट्रेलर स्ट्रिक्टली ओके लगा, स्ट्रिक्टली ओके। मुझे मज़ा नहीं आया दोस्तों, मुझे मज़ा आया ही नहीं। वो ह्यूमर, जो कॉमेडी, जो डायलॉग्स वगैरह थे इसमें, दैट डिडंट मेक मी लाफ एट ऑल, इट डिडंट मेक मी लाफ एट ऑल। बिल्कुल हंसा नहीं पाया यार, मेरे को ह्यूमर नजर ही नहीं आया। द ह्यूमर डिडंट वर्क फॉर मी एट ऑल। अक्षय कुमार इज गुड, नो डाउट, ही इज द ओनली वॉचेबल एंटिटी इन द एंटायर ट्रेलर। अगर अक्षय कुमार नहीं होते इस ट्रेलर में तो मैं कब का बंद कर लिया होता ट्रेलर यार। बट अक्षय कुमार के वो जो डायलॉग्स हैं, वो डायलॉग्स मेरे को फनी नहीं लगा दोस्तों। आई डिडंट फाइंड इट फनी एट ऑल, इट कुड हैव बीन बेटर रिटन। ऑल्सो कांचना जो ओरिजिनल फिल्म है वो 2011 में रिलीज हुआ था यार, इट्स मोर देन 9 ईयर्स नाउ। तो वो जमाने में ऐसा ह्यूमर और ऐसा एक्टिंग चल गया होगा साउथ इंडिया में, लेकिन आज के ज़माने में ऐसा ह्यूमर और ऐसा एक्टिंग आपको साउथ इंडियन फिल्म्स में कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि साउथ इंडियन फिल्म्स बहुत आगे बढ़ गया है यार। दे मेक द बेस्ट सिनेमा पॉसिबल इन इंडिया, द बेस्ट मीनिंगफुल सिनेमा। और ऐसा डायलॉग्स, ऐसा हैमिंग वाला एक्टिंग आपको आज के साउथ इंडियन सिनेमाज में नहीं दिखेगा। सो आई डोंट नो हाउ रेलिवेंट इट वुड बी टू शोकेस सच एक्टिंग, सच डायलॉग्स, सच ह्यूमर इन अ हिंदी फिल्म इन 2020। अब ये फिल्म रिलीज होने के बाद पता चलेगा फिल्म कितना अच्छा है या बुरा है, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है कि ट्रेलर मुझे अच्छा नहीं लगा लेकिन फिल्म आउटस्टैंडिंग निकला, उसका उल्टा भी होता है। लेकिन लेट्स होप लक्ष्मी बॉम्ब के केस में फिल्म काफ़ी अच्छा निकले, काफ़ी सुपर हिट निकले, बिकॉज आई विल बी ऑनेस्ट, आई एम अ ह्यूज एडमायरर ऑफ अक्षय कुमार एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड टू हिज फिल्म्स। बट दिस ट्रेलर डिसअपॉइंटेड मी दोस्तों, डिसअपॉइंटेड मी। दो तीन हैमिंग वाला सीक्वेंस है वो भी देख के उतना मजा नहीं आया, बट हाँ, अक्षय व्हेन ही ड्रेसेस अप एज लक्ष्मी, एक दो सीक्वेंसेस आर ओके और गुड, बट अदरवाइज ओवरऑल द एंटायर ट्रेलर वॉज स्ट्रिक्टली ओके, स्ट्रिक्टली ओके। आई एम गोइंग विथ 2 स्टार्स फॉर द ट्रेलर। अब दोस्तों, दूसरा एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, जो ऑफिशियल ट्रेलर जो भी ऑफिशियल चैनल्स पर रिलीज हुआ है, वहां पर लाइक्स और डिसलाइक्स का जो बटन है, यू विल नॉट फाइंड द नंबर ऑफ लाइक्स और नंबर ऑफ डिसलाइक्स बींग मैंशनड देर। मतलब शायद वो लाइक और डिसलाइक वाला ऑप्शन उन्होंने डिसेबल किया है। हाँ, आप जब क्लिक करते हो लाइक बटन पे, वो आपका लाइक रजिस्टर होता है, आपको वो ब्लू मार्क दिखेगा, द लाइक द थम्स अप टर्न्स इन टू ब्लू कलर, बट यू विल नॉट सी द नंबर ऑफ पीपल हु हैव लाइक्ड और डिसलाइक द ट्रेलर। अब ये क्यों लोग ने डिसेबल किया? क्या ट्रोलिंग से बचने के लिए डिसेबल किया? क्योंकि जो पहला मोशन पोस्टर रिलीज हुआ था उसको भी बहुत सारा डिसलाइक्स मिल रहा था, बट देन दैट इज फाइन। आई थिंक इफ दैट इज द रीजन वाई दे हैव डिसेबल्ड दिस बटन, विच इज अ वेरी अनयूजुअल स्टेप, आई थिंक इट्स अ वेरी बैड डिसीजन, बिकॉज ट्रोलिंग से क्या होने वाला है यार? अभी एक नया हैशटैग चल रहा है, बॉयकॉट लक्ष्मी बॉम्ब, इससे क्या होने वाला है? बॉयकॉट वाले तो बॉयकॉट मिर्जापुर भी बोल रहे हैं, थोड़ी कोई बॉयकॉट करने वाला है, बॉयकॉट वाले खुद बॉयकॉट हो जाते हैं। और ये बॉयकॉट वाले वो है, ये ट्रोल करने वाले वो है जो टिकट खरीद के कभी पिक्चर नहीं देखते यार। सो देयर ट्रोलिंग, देयर क्रिटिसिज्म डजंट मैटर, एंड आई एम सरप्राइज्ड टू सी द प्रोड्यूसर्स, द स्टूडियोज डिसेबलिंग दैट बटन, लाइक और डिसलाइक बटन, इट मेक्स नो सेंस। एनीवेज दोस्तों, ट्रेलर आप लोग चाह रहे थे मैं रिव्यू दूं, आई डिडंट क्वाइट लाइक इट, आई थॉट इट वॉज जस्ट स्ट्रिक्टली ओके, 2 स्टार्स फ्रॉम मी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है ट्रेलर के बारे में वो लिखकर बताना, और आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस लाइक्स और डिसलाइक्स के बटन को डिसेबल करने के बारे में, वो ऑप्शन को डिसेबल करने के, वो डिसीजन के बारे में, वो भी लिखकर बताना कमेंट बॉक्स में। फॉर द मोमेंट इट इज टाइम फॉर मी टू से टाटा।